हेलो फ्रेंड्स, इजी होम किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बनेंगे रोल्ड ओट्स और अंकुरित चना और हरा मूंग की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, जो भी डाइट पे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे कोई भी कढ़ाइया पैन रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी और 2 चम्मच मूंगफली डाल के मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मूंगफली हमारी तलकने लग गई है और रोस्ट भी हो गई। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी में हम जो घी पहले डाला था उसी घी में हम डालेंगे ये 1 कप के बराबर। और आपको जितना चाहिए उतना ले लेना और इसको अच्छे से भून लेना, ज़्यादा जलाना नहीं है। भुने हुए ओट्स की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम इसी पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और जीरा और राई डाल लेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल लेंगे। एक हम इसमें इस तरीके से मैंने आलू को कट करके डाल लिया है और एक ही हम इसमें गाजर डालेंगे। तो अगर आपके पास में गाजर है तो डाल लीजिए, नहीं गाजर को आप इसकी भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। तो लहसुन को मैंने इस तरीके से क्रस करके डाल लिया है। और अब 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मटर भी ऐड किया है। अगर आपके पास में हरे मटर हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। और 1 बारी कटा हुआ हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और थोड़ी सी बीन्स ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम थोड़ी सी हम इसमें फूल गोभी भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम थोड़े से करी पत्ते ऐड कर लेंगे। करी पत्ते हमें पहले नहीं डालने, बाद में ही डालने, नहीं तो ये जल जाते हैं। और थोड़ी सी हम इसमें शिमला मिर्च और 1 बारी कटा हुआ टमाटर ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेना है और इसको फिर से मिक्स करने के बाद में हम इसमें जो ये देखिए मैंने चना और हरी मूंग को अंकुरित करके रखा था, सबसे पहले इसको भिगो लेना। उसके बाद में सूती के कपड़े में बांध लेना ताकि अच्छे से अंकुरित हो जाता है 2 दिन में। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और सारे मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इसको ढक के 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाला और सब्जियां जो दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने रोस्ट करके ओट्स रखे थे, इसको भी अच्छे से इसके साथ में मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सारी चीज़ों को एक बार ढक के फिर से पका लिया है। उसके बाद में हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 1 कप ओट्स लिया था तो 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। इसको हम ढकेंगे और 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। उसके बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी है जो अच्छे से पक गई हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। सब्जियां भी सारी अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद में हमने जो मूंगफली रोस्ट करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और इसको सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें हरे धनिया पत्ती की गार्निश कर लेंगे। ये खिचड़ी आप सुबह के नाश्ते में बना के तैयार कर सकते हैं, फटाफट बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो ये देखिए, खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको खाने के लिए गर्मा गर्म ही 1 प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए।